मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर हैं, ये मेरी स्टेप सिस्टर्स हैं। मुझे पता है स्टेप सिस्टर्स क्या होता है, क्या होता है? मैं सही बता दूं, इनको बहुत ही कम पसंद आती हैं, चूजी टाइप के हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नेगी ब्लॉगर्स में। तो कैसे हैं आप सब? तो आप मेरा बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि मैं पहुंच गई हूं अपने घर। तो कल घर से आने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थक गए थे, और घर में आके फिर आके खाना वाना बनाया, लंच तैयार किया, फिर यही सब रहा। और यहाँ पे खुशी और साक्षी थे घर पे, और तो मतलब साफ़ सफाई तो उन्होंने करी थी, झाड़ू पोछा वगैरह डेली वो कर रहे थे, पर फिर भी मतलब किचन में जैसे बच्चों ने कुछ खाया पिया होगा तो मतलब प्रॉपर बच्चे कहाँ करते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो अच्छे से सफाई नहीं करी होगी तो बहुत मतलब चीटियाँ हो रही हैं हमारे किचन में। अब जो है मैं करूँगी अपने किचन की अच्छे से सफाई। किचन की सफाई तो मैं मतलब यहाँ पर आज तो नेक्स्ट मॉर्निंग है तो झाड़ू पोछा इसमें मैं कर चुकी हूँ, और सभी काम हो चुके हैं, नाश्ता भी हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया है, और मायके वाले दिन गए आराम के दिन, अब काम पे लगते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं किचन में क्या काम है, बहुत काम है। तो मुझे मतलब नीचे मेरे बर्तन रखती हूँ, मैं बर्तन स्टोर करती हूँ ना, ड्रॉर है जो नीचे का, मैं दिखाऊँगी आपको। तो वहाँ पे सारा मतलब ऊपर से पता नहीं क्या जाले वाले लग रहे हैं, और कुछ ना वाइट वाइट सभी गिर रहा है, तो सारे बर्तन ना ख़राब हो रखे नीचे के, क्योंकि बच्चों ने तो इस्तेमाल किए नहीं नीचे के बर्तन, तो फिर उनको साफ करना पड़ेगा पूरा अच्छे से। चलो देखते हैं और सफाई करते हैं किचन में, और बाद में लंच बनाएंगे, लंच के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है, तो चलो फिर चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, ये वाला यहाँ मैं बर्तन रखती हूँ ना, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए चींटियाँ, ये देखिए ये वाइट वाइट कुछ गिर रहा है, ये ऊपर से गिर रहा है, यहाँ से पता नहीं क्या है ये। तो चलो सारे बर्तन पहले मैं निकाल, तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, मैंने कल बस उतना ही वीडियो शूट किया था, ये नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो आम ले लिए हैं, थोड़ी सी चीनी ले ली है एक बाउल में, और इलायची है मेरे पास छोटी इलायची जो मैंने कूट के ले ली है, और चाकू है जिससे मैं आमों को काटने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, यह 1 किलो के करीब है, मतलब 1 किलो ही है ये, और इसमें जो मलाई थी वो मैंने निकाली नहीं है, दूध में ही मलाई रहेगी। और मैंने इसको गैस पर चढ़ा दिया है, और बस गैस ऑन करके अब मैं इसको एक बॉयल आने पे इसको एकदम सिम आँच पे पकने दूंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम सुपर कूल यम्मी रेसिपी, तो जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल आप रेसिपी देखिए आराम से। तो चलिए जब तक दूध गर्म होता है, बॉयल आता है मतलब दूध में, तब तक हम आम को पील कर लेते हैं। तो चलिए आम को पील करके उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, और फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंगो भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, और इनको मैं रख दूँगी फ्रिज पे क्योंकि अभी फ़िलहाल इनका कोई काम नहीं है।
तो चलिए मिल्क में भी दूध में भी एक उबाला आ चुका है, तो अब मैं इसको एकदम सिम आँच पे कर दूँगी, इतना मतलब बहुत सिम पे एकदम से, ताकि ये दूध नीचे से लगे नहीं, जले नहीं। और इसमें मैंने जो है कुटी हुई जो ग्रीन इलायची थी, हरी इलायची वो भी डाल दी है। और अभी मेरे पास 1 किलो दूध है ये, तो जब तक कि मतलब आधा किलो के आसपास ना रह जाए ना, मतलब इसको इतना काढ़ना है इस दूध को। तो चलिए अभी एकदम मैंने सिम आँच कर दी है और इसको रखने जा रही हूँ मैं फ्रिज पे। और चलिए देखिए, मैंने थोड़ी देर बहुत देर बाद चेक किया, लगभग 1 घंटे के बाद, तो ये इतना कम हो चुका है, लेकिन अभी मैंने इसको और काढ़ना है। तो देखते हैं, मुझे पूरा इसको करते करते 2 घंटे के करीब लगा था। और यहाँ पे मैंने चीनी भी ऐड कर दी है, तो चीनी डालने के बाद ना इसका कलर भी चेंज होने वाला है। तो और मैं बनाने वाली हूँ मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम, तो बहुत बहुत ही लाजवाब बनने वाली है ये। ये मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही हूँ, पहले भी मैं पिछले गर्मियों में भी मैंने बनाई है ये 3-4 बार, फैमिली वालों की फरमाइश पे मैंने 1 बार बनाई थी, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो फिर उन्होंने 2-3-4 बार तो फिर से बनवाई मुझसे। और इस बार मैंने कहा चलो भाई, ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तो शेयर करना बनता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए मैं आज जो है मैंगो आइसक्रीम बना रही हूँ। ये देखिए दूध भी एकदम कड़ चुका है, और जो ये किनारों पे लगा है ना, तो इसको भी मैं एकदम से निकाल के इसमें ही दूध में ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि असली टेस्ट तो यही यहीं पे होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक मिक्सी जार ले लूँगी, इसमें मैं जो है दूध भी और जो ये मैंगो का पल्प है ना, ये सब मैं आपस में ग्राइंड कर लूँगी, और फिर उसको एक जिसमें भी हमने फ्रिज करना है, आइसक्रीम जमानी है, उसमें डाल के अपने फ्रीजर में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 घंटे के बाद फिर से इसको चेक किया है, तो ये काफ़ी हद तक जम चुकी थी, फिर से इसको ग्राइंड करना है। डबल ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी आइसक्रीम जो है एकदम क्रीमी क्रीमी और स्मूथ बनेगी। हार्ड हार्ड जो होती है ना, वैसी नहीं बनेगी, बिल्कुल बहुत ही मार्केट जैसी बनेगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने डबल ग्राइंड कर दिया है, और अब फिर से मैं उसी बाउल में इसको जो है फिर से फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीजर में, और ये रात तक बनके एकदम रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरा रात का डिनर भी मैंने तैयार कर लिया है, तो डिनर आपसे शेयर नहीं किया है, बस जस्ट थाली लगा के दिखाई है। तो आज डिनर में बना है, थोड़े से पापड़ निकाल लिए हैं मैंने, सलाद है और रायता है, और ये बनाई है मैंने मलाई टिंडे और पापड़ सलाद चपाती। तो ये है आज की थाली, तो आप ही आइए और आप भी हमारे साथ डिनर इन्जॉय कीजिए, आइए ज़रूर। तो चलिए अंदर मैं अभी दे के आऊँगी, ये हस्बैंड के लिए थाली लगाई है तो उनको दे के आऊँगी। और यहाँ पे मेरे पास वैसु खड़ी है, तो मैं उसको टेस्ट करवा रही हूँ सब्ज़ी, तो देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है, कैसा रहता है, उसको पसंद आती है या नहीं आती है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है मलाई टिंडे, यम्मी टेस्टी डन। तो चलिए अंदर बैठे हैं सब, एसी चला के एसी लगा के बैठे हुए हैं, तो वहीं लेके जाते हैं, गर्मी बहुत है, बाहर बैठना बहुत मुश्किल है, और हमारा बेडरूम में ही एसी है, तो इसलिए देखिए पापा के साथ खुशी भी बैठी हुई है, ये अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं ऑफिस का। तो चलिए यहाँ पे देखिए डिनर हो चुका है, और हम लिए आए हैं आइसक्रीम। I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. फ्रेंड्स यहाँ पे सारे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए इधर ये डब्बा पार्टी और इधर ये आप भी खा लीजिए, और इधर एक और बैठा है कटोरी लेके एकदम इनके मुंह बंद हो गए, सब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं।
कैसी बनी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया, एकदम डिलीशियस, यम्मी, क्रीमी, मैंगो का टेस्ट, मलाई का टेस्ट और इलायची का टेस्ट, तीनों आ रहा है। तो क्या मैंगो कुल्फी जैसी लग रही है कि नहीं? लग रही है। स्मूथ भी है ना? मजा आ गया। लाइक बटर। मजा आ गया। कुछ कहना चाहोगे? अच्छी हो रही है और इलायची का टेस्ट जान डाल रहा है इसमें। सच्ची मैम, और आपने इसकी शेयर करी है ब्लॉग में रेसिपी? हाँ शेयर तो करिए। तो मम्मी अगर आप देख रहे तो जरूर ट्राई करना, हमें भी खिलाना। पहले खा लो या फिर बोल लो। तो ये कहना चाहूंगा कि ये मैंगो कुल्फी से बहुत टेस्टी है, बहुत क्रीमी है, स्मूथ लाइक बटर, इट्स डिलीशियस। और ये है यहाँ पे मेरी बैठी है। फ्रेंड्स मैंने भी टेस्ट कर लिया है, मैं दिख नहीं रही हूँ लेकिन बहुत तो ही यम्मी हो रही है। ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है, यहाँ पे हमारी आइसक्रीम पार्टी हो रही है। यस आइसक्रीम पार्टी हो रही है। मैं हूँ, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर और ये मेरी स्टेप सिस्टर्स हैं। मुझे पता है स्टेप सिस्टर्स क्या होता है? क्या होता है? सौतेली बहन है। ट्राई करने लायक रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, एकदम तीन चार चीजों से बनी है और ये चीज़ें तो सबके घर में ही उपलब्ध होती हैं हर टाइम। आजकल तो वैसे भी मैंगो का टाइम है, आम तो हर किसी के घर में आते ही हैं। तो आप भी बनाइए, आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी और बस यस बहुत मज़ा आने वाला है। फिर तो आप मार्केट से नहीं लाने वाले हो, घर पे ही बनाने का वाले हो। सेकंड ट्राइंग जरूर ग्राइंड करना क्रीमी बनाने के लिए। हाँ सेकंड बार जो मैंने ग्राइंड किया था ना उसको तो ज़रूर करना है, क्योंकि उसी से जो हमारी आइसक्रीम है वो एकदम स्मूथ बनेगी और क्रीमी बनेगी। कितनी क्रीमी है? नहीं तो उससे पहले जो होती ना आइसक्रीम जमती है वो थोड़ी सी हार्ड हार्ड होती है, तो अगर आप उसको एक बार फिर से ग्राइंड कर दोगे ना तो बहुत स्मूदी और क्रीमी बन जाती है। जैसे शादी पार्टी में मिलती है ना वनीला आइसक्रीम, है ना उसी टाइप की। इनको तो बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं लेकिन आज इनको बहुत पसंद आ रही है आइसक्रीम। मैं सही बता दूं इनको बहुत ही कम पसंद आती है, चूजी टाइप के हैं। पसंद आ गई तो मतलब आप भी खा लीजिए, वाकई में सही बना है। तो मैंने दो बाउल में नीचे भी खुशी के हाथों में मतलब आइसक्रीम दी है दादा दादी के लिए, यानी कि खुशी के दादा दादी के लिए। तो देखिए उनका क्या कहना है। दादी और आपने आइसक्रीम खा ली, कैसी हो रही थी? नहीं क्रीम वगैरह तो कुछ नहीं थी, क्या था? आम से बनाई थी क्रीम, आम और दूध। नहीं क्रीम तो। तो चलिए यहाँ पे मैंने रात के डिनर के बर्तन सारे वॉश कर लिए हैं और किचन भी मेरी एकदम क्लीन हो चुकी है। और यहाँ पे ये बर्तन पड़े हैं, इनको मैं ये मैंने अभी सारे धोए हैं तो मैं इनको ऐसे छोड़ दूंगी ताकि इनसे पानी अच्छे से सूख जाए, फिर मैं इनको लगाऊंगी सुबह। तो चलिए किचन का काम हो चुका है। तो ये जा रहे हैं घूमने ऊपर छत पे, तो वॉक का टाइम हो गया है हमारा, तो मैं भी जाऊंगी अभी छत पे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपने वो आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आपकी आइसक्रीम कैसी बनी और कैसी लगी आपको। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं और अब हम सोने की तैयारी करेंगे। सोने से पहले जस्ट अभी छत पर जाना है, 9:45 हो रहे हैं तो 10 बजे तक तो वॉक करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो चलिए फिर, और अभी फेस मेरा एकदम कैसा हो रहा है, एकदम ऑयली ऑयली सा लग रहा है ना, तो अभी किचन से काम वाम करने के बाद ऐसे ही होता है। तो अभी सोने से पहले अपना स्किन केयर करना ज़रूरी है, तो फेस वॉश करके अपना एलोवेरा जेल वगैरह से मसाज करती हूँ मैं डेली। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, वरना तो मैं बातें करती रहूँगी और वीडियो लंबी पे लंबी होती जाएगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।